कितनी बार ये बात आती, बहुत ही मतलब नाजुक दिल है उसका, रो पड़ती है बात बात पे। जो बोले और मेरी शादी के 10 दिन बाद ही मेरी दादी की डेथ हो गई। हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी शादी के पहले की लाइफ कैसी थी और शादी के बाद की लाइफ कैसी है। तो जुड़े रहना लास्ट तक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपने आगे सहवाग की वीडियो तो देखी होगी, उनकी लाइफ स्टोरी की। उस वीडियो में इन्होंने बताया है कि मेरे आने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उनके आने से मेरी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ गए। तो जुड़े रहना लास्ट तक। मैं आपको बताती हूँ शादी के पहले मेरी लाइफ कैसी थी। तो ये बात है 2007 की। 2007 में हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे दादा दादी, मेरे दो चाचा, मेरी दो चाची, मैं और मेरे मम्मी पापा, हम सभी लोग साथ में रहते थे और बहुत ही खुश थे। उस टाइम पे चाचा, पापा और दादा सभी लोग काम पे जाते थे और घर पे भी हम सभी लोग मिलजुल के रहते थे। वो 2007 हमारा बहुत ही अच्छा था और तब हम लोग बहुत खुश थे। और फिर आया 2008। 2008 हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ख़राब साल था, क्योंकि 2008 में मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको हमें बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। और बड़ी हॉस्पिटल में ले गए इसलिए खर्चा भी बहुत होना था। तो मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने, दादी ने जो भी सेविंग किए हुए पैसे थे वो हमने सारे दवाई के खर्चे में लगा दिए। और तो दवाई का खर्चा इतना बढ़ गया था कि हमने इधर उधर से किराया भी ले लिया था। फिर भी इतना करते हुए भी मेरे दादा इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। और बाद में हमने कर्जा चुकाने के लिए हमारा जो खुद का घर था वो बेच दिया, और घर बेच के जो पैसे आए वो कर्जा जिससे लिया था उनको दे दिए। और बाद में मेरे दो चाचा तो उनका घर संभालने लगे और रह गए मैं, मेरे पापा, मम्मी और दादी। और हम चार लोग किराए के घर में रहने के लिए चले गए। किराए के घर में भी हम चार लोग बहुत ही खुशी से रह रहे थे, क्योंकि मेरे पापा और मेरी दादी दोनों ही काम पे जाते थे और हमारा घर चला रहे थे। जैसे तैसे 5-6 साल तो बीत गए। और फिर मेरी छोटी बहन प्राची का जन्म हुआ 2014 में, और प्राची 5-6 महीने की हुई थी। और मेरे पापा ने शराब पीनी चालू कर दी, और मेरी दादी को पता चला कि मेरे पापा शराब पी रहे हैं। तो दादी को ये सब पसंद नहीं था, तो दादी अलग रहने के लिए चली गई। और अलग रहने गई दादी, तब से मेरे पापा को मन में कोई डर ही नहीं था। मतलब मन में ऐसा था ही नहीं कि कोई मुझे डांटेगा, कोई मुझे कुछ कहेगा। तो पापा ने ज़्यादा शराब पीनी चालू कर दी, और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनका काम भी छूट गया था। तो मेरी मम्मी घर के काम करके मतलब हमारा घर चला रही थी, और तब मैं स्कूल जाती थी। स्कूल जाने के बाद मतलब दोपहर को आके मेरी मम्मी को काम में आठ बताया करती थी। और कुछ लोग तो तब ऐसे थे जो कि गरीबी की वजह से, कुछ तो मेरे फ्रेंड्स ही है, ठीक से बात भी नहीं करते थे और अच्छा बुरा सुना के चले जाते थे। मैं तो मुंह पे जवाब दे देती थी पर मेरी मम्मी ना बोलती थी, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि हम किराए के घर में रहते हैं तो किसी से झगड़ा मत कर। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम दूसरे गाँव में किराए के घर पर रहते तो किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और फिर आया 2020, जो कि मेरे लाइफ चेंजिंग ईयर था। 2020 में मेरी मुलाकात हुई सहवाग से, जो कि रिवर फ्रंट में हम दोनों पहली बार मिले थे। आपने आगे वीडियो देखा होगा, उन्होंने मुझे नंबर दिया था। फिर हमारी थोड़ी थोड़ी बातचीत चालू हुई थी, और मेरे पापा को पता चल गया था। तो पापा को ये सब पसंद नहीं था। मैंने पापा को समझाया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी कास्ट का है, पर पापा नहीं माने, पापा ने साफ साफ मना कर दिया। फिर मैंने मेरे दादी और मेरी मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत समझाया। बाद में मैंने दादी ने बोला ठीक है, एक बार लड़के को बुला ले घर पे, मैं मिल लूँ, मुझे अच्छा लगा तो आगे बात करेंगे। फिर ये मेरी दादी को मतलब मेरे घर पे मिलने के लिए आए, और मेरी दादी को पसंद आए, और फिर पापा भी मान गए। हमारी बातचीत ज़्यादा ही होने लगी थी, दिन और रात हम दोनों बातें ही करते थे। फिर हमारे घर वालों ने हमारी सगाई करवा दी, और फिर उसके 1 महीने बाद हो गया लॉकडाउन। फिर लॉकडाउन में हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, सिर्फ फ़ोन पर ही बात हो रही थी। तो थोड़ी थोड़ी छूट छाट दी, तो हमने सोचा चलो अभी शादी कर देते, क्योंकि ऐसे तो धूमधाम से शादी हो नहीं पाएगी लॉकडाउन में। तो हम दोनों ने हमारे घर वालों की मर्जी से मंदिर में शादी कर ली। और शादी होने के बाद तो लॉकडाउन भी खुल गया था, तो घर वालों ने सोचा कि इन्होंने ऐसे शादी की है तो उनका रिसेप्शन ही रख देते,
तो रिसेप्शन के लिए हमने पार्टी प्लॉट भी बुक कर दिया था और कपड़े भी खरीद लिए थे। हमारी शादी पहले महीने की 25 तारीख को हुई थी और हमें रिसेप्शन दूसरे महीने की 14 तारीख को रखना था, जो कि वैलेंटाइन डे के दिन हमें रखना था। पर दूसरे महीने की 10 तारीख को मुझे घर से कॉल आया कि मेरी दादी को हार्ट अटैक आया है और मेरी दादी की तबीयत खराब थी और हम लोग यहाँ से उधर गए। तब तक तो मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही थी और मुझे एकदम अंदर से ऐसा झटका लग गया, क्योंकि मैं छोटी से बड़ी मेरी दादी के पास ही हुई थी, इसलिए मैं तो अंदर से पूरी टूट गई। और ऐसा होने के बाद तो कौन ऐसा सब करेगा, क्योंकि मैं तो अंदर से पूरी टूट गई थी, क्योंकि मेरा जो था मेरी दादी ही थी, क्योंकि मैं उसके साथ ही रहती थी। और यहाँ मेरी शादी की खुशी तो खत्म ही नहीं हुई थी और मुझे इतना बड़ा झटका लग गया, तो मैं तो अंदर से पूरी टूट ही गई थी। दादी को ऐसा होने के बाद हमने रिसेप्शन का प्लान तो कैंसिल ही कर दिया और फिर मैं थोड़े दिन मायके में रहने के बाद ससुराल में आई, तो हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे और हम व्हाट्सएप स्टेटस के लिए वीडियो बना रहे थे, पर हमारे रील्स वायरल हो गई तो हमने रोज एक दो रील्स डाल रहे थे और हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। और ऐसे ही हमारी आईडी में 100 के कम्प्लीट हो गए, तो सारे लोगों के कमेंट आने लगे कि व्लॉग बनाओ। और तब तो हमें पता भी नहीं था कि व्लॉग क्या है, तो हम जैसे स्कूल में बात करते वैसे ही व्लॉग बना दिया। आज वो वीडियो हम देखते तो हमको भी हंसी आती है, पर तब हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे भी हमें अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और उसके बाद हुई मेरी प्रेगनेंसी और हम प्रेगनेंसी की वीडियो डालने लगे तो और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। फिर उसके बाद आया युवान और युवान 1 महीने का था और हमने यूट्यूब के इनकम से और घर के थोड़े पैसे जमा करके इनके बर्थडे के दिन हमने गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने से 1 साल पहले हमें घर से निकाल दिया गया था और घर से निकालने के बाद हुई मेरी प्रेगनेंसी और तब भी मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी हम लोग सारा सामान हाथ में लेकर बाइक पे ही हम लोग घूमते थे, उसके बाद हमने गाड़ी ली। 1 महीना तो मैं मेरी मम्मी के घर रही, मतलब मेरे मायके में रही, और 1 महीना होने के बाद मैं मेरे मामा जी के घर गई और हम दोनों मामा जी के घर पे रहते थे। थोड़े दिन मेरी सासू माँ के घर पे रहते थे और थोड़े दिन मेरी बुआ जी है जो उनके घर पे रहते थे, और ऐसे इधर उधर भटकते युवान 3-4 महीने का हो गया। फिर हमें यहाँ रहने दिया और यहाँ आते युवान थोड़ा बड़ा हुआ और मेरे पापा बहुत बीमार हो गए, आपने वीडियो में देखा ही होगा, और फिर मेरे पापा की भी डेथ हो गई। तो ये मेरी लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा हादसा था, जो कि मेरे पापा की डेथ हो गई। और वो कहता है ना कि बाप बाप होता है और बेटी के लिए बाप का नहीं होना, वो तो बेटी समझ सकती है। चूँकि पहले तो मेरे पापा मुझे बहुत अच्छा रखते थे और ये दारू के नशे में चढ़ गए, तब भी अच्छा ही रखते थे, पर वो पीते थे, घर में कुछ पैसे वैसे नहीं देते थे, बस वही था। वरना मेरे पापा से मुझे बहुत प्यार था, अभी भी आप वीडियो में देख रहे हो क्योंकि मुझे उनकी बात निकल दिया था। तो देखो अभी दूसरी बार वो बड़ी रोमा चल, तो कल से मतलब हम लोग ये स्टोरी, मतलब उसी ने बोला कि ये स्टोरी बना देते, और कल से मतलब जितनी बार दो तीन बार रोने लगी है, रोना नहीं कर, जितनी बार ये बात आती बहुत ही मतलब नाजुक दिल है उसका, रो पड़ती है बात बात पे। अरे बोलो कल जो बोया, ये सब होने के बाद थोड़े दिन मैं मायके में रह के वापस ससुराल में आ गई और अब की लाइफ तो आप यूट्यूब में देख ही रहे हो। और आगे के दिन तो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स थी जो मेरे से गरीबी की वजह से अच्छे से बात नहीं कर रही थी और आज सामने से ही बुला रही है। और अब मैं मायके जाती हूँ तो भी काम के सिवा किसी से बात नहीं करती हूँ, और जो मुझे गरीबी में भी साथ दे रहे थे, मतलब मेरी फ्रेंड्स थी जो अच्छे से मेरे साथ बात करती थी, उनको तो आज भी मैं अच्छे से ही रखती हूँ। और जो मकान में रहते थे ना किराए के, वो मकान मालिक के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो मैं टीवी देखने जाऊँ ना तो वो टीवी बंद कर देते थे, ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं। और अभी मेरे पास सब कुछ है, सबसे पहले तो सहभागी है और मेरा युवान, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। रो मत, चल बात बात पे रो मत, चल थोड़ा स्ट्रांग बन, चल रोना नहीं, चल तो अभी फिलहाल देखो बोल दे अभी, चल अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा पति और मेरा बेटा, हम तीन लोग खुशी से रहना चाहते हैं, अभी मेरे पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि किसी की ज़रूरत नहीं है, पर जो पहले अच्छे से नहीं रहते थे उनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा ऋतिक की लाइफ स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिंग थी और मतलब वो तो 2-3 बार रो पड़ी, देखो रो मत चल। तो कल मतलब दोपहर 2 बजे से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया
शाम के 6 बजे तक किया है ना, 6 बजे तक ट्राई किया वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि रितिक बात बात में मतलब जैसे पूरी स्टोरी आधी आती थी, और जब दादी की बात आती थी तब रो पड़ती थी, और जब पापा की बात आती थी तब रो पड़ती थी। तो उसी वजह से मतलब कल से बना रहे थे, लेकिन आज फाइनली रितिक की लाइफ स्टोरी बन गई है। शादी से पहले रितिक की लाइफ क्या थी, और अभी शादी के बाद रितिक की लाइफ क्या है। और बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी जल्दी रो पड़ती है ना। इधर देख हंस दे, अब चल इधर देख। अरे हंस दे, चल अभी रोना नहीं है, थी बात बात से रो पड़ती है। हंस दे, चल इधर। तो यही थी रितिक की लाइफ स्टोरी। तो चलो, आई होप कि आपको ये रितिक की रियल लाइफ स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 तो कर दी। मेरी दादी मेरे पापा शराब पीते थे, इसलिए वो मुझे ऐसा बोलती थी कि तेरी शादी हो जाए तो बस। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरी शादी के 10 दिन बाद ही मेरी दादी की डेथ हो गई।